नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ करवा चौथ। जी हाँ, करवा चौथ एक हिंदू फेस्टिवल है, एक दिन का फेस्टिवल है जहां पे हिंदू वाइफ्स या लेडीज जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है वो एक व्रत रखते हैं फ्रॉम सनराइज टू मूनराइज, जहां पे वो ये व्रत इसलिए रखते हैं कि उनके हस्बैंड और उनके मंगेतर की लाइफ लंबी रहे। ऑब्वियसली हमारे देश के अंदर फेमिनिस्ट हैं, फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया सनातन धर्म को रिग्रेसिव साबित करने के लिए ऑब्वियसली कहते हैं कि करवा चौथ एंटी वुमन है, क्योंकि यहां पे विमेन को फास्ट करना पड़ता है फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ हर हस्बैंड। तो ये औरतें जो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से काफी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, क्योंकि इनकी लाइफ में अच्छे पार्टनर्स नहीं आए या इन्होंने आने नहीं दिए, तो इनको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि अगर आप ये थॉट प्रोसेस प्रमोट करते हैं तो एक दूसरा धर्म है जिसके अंदर एक महीने तक फास्टिंग होती है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस आइडियोलॉजी। करवा चौथ को अगर आप डिग्रेड करना चाहते हैं ये कह के कि ऑब्वियसली अगर करवा चौथ इतना रियल या पायस रिचुअल होता तो कोई भी औरत, हिंदू औरत, विधवा नहीं होती, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि दूसरे धर्म में भी लोग उपवास रखते हैं और अगर उनकी आस्था इतनी रियल होती तो हमारे दुनिया के अंदर इतना आतंक भी नहीं होता, बिकॉज लॉट ऑफ बैड थिंग्स हैपन इन द मंथ ऑफ रमजान एंड पोस्ट रमजान when people observe month long fasting in the name of their religion. तो आप एक individual human beings के action से एक धर्म की आस्था, एक धर्म के thought process, एक धर्म के ritual को खराब साबित नहीं कर सकते। करवा चौथ is for those Hindu women and also for other women who want to believe in this ritual, जहां पे एक औरत अपने husband के लिए fast रखती है for his long life. अभी ये रिचुअल के साथ बहुत सारे लेजेंड्स, मतलब लेजेंडरी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं, मगर हमारा जो इतिहास है वो इतना पुराना है कि वो इतिहास को समझते समझते बहुत सारे लोगों ने इनको कहानियां बना दी है, जबकि ये एक सच्चाई थी, मगर ऑब्वियसली ये एक सच्चाई थी 5,000-10,000 साल पहले, जिसका अभी हमको इंफॉर्मेशन मिलता है टुकड़े टुकड़े होकर, क्योंकि आज की तारीख में सेक्युलरिज्म इतना बढ़ गया है कि हर एफर्ट किए जाते हैं टू प्रूव दैट सनातन धर्म इज रिग्रेसिव एंड सनातन धर्म की हिस्ट्री इज जस्ट सम माइथोलॉजी, नॉट अ रियलिटी। मगर करवा चौथ की जो हिस्ट्री है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं, क्योंकि एज अ हिंदू औरत मैं बिलीव करती हूं कि जो भी हम आस्था से करें हमारे धर्म के अंदर वो हमारे को फल जरूर देगा। अपेरेंटली करवा चौथ इज अ वन डे फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, जैसे मैंने आपको बोला, बाय हिंदू वुमेन इन नॉर्दर्न इंडिया, बट ऑब्वियसली ऑल ओवर द वर्ल्ड हिंदू औरतें या बाकी धर्म की औरतें भी अगर चाहे तो ये त्योहार मना सकती हैं। मैं ऑब्वियसली बहुत कंफ्यूज्ड हूं कि करीना कपूर खान ये त्योहार मनाएंगी कि नहीं, या नुसरत जहां जैन ये त्योहार मनाएंगी कि नहीं, क्योंकि नुसरत जहां जैन जिस तरह से सनातन धर्म के त्योहारों को मनाती हुई आ रही है, मुझे लग रहा है कि वो करवा चौथ भी जरूर मनाएंगी, एज कंपेयर टू करीना कपूर खान जो ऑब्वियसली अपने हिंदू होने पर इतना नाज नहीं रखती आफ्टर शी गॉट मैरिड टू सैफ अली खान, विच इज अगेन हर निजी चॉइस। तो करवा चौथ 4 दिन के बाद आता है आफ्टर पूर्णिमा, दैट इज द फुल मून इन द मंथ ऑफ कार्तिक। यहां पे ऑब्वियसली देर आर 4 स्टोरी बोर्ड्स रिलेटेड टू करवा चौथ, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन स्टोरी बोर्ड ऑफ क्वीन वीरवती। नाउ क्वीन वीरवती के 7 ब्रदर्स थे एंड उन्होंने अपना पहला करवा चौथ अपने पेरेंट्स के घर में मनाया। नाउ उन्होंने करवा चौथ के रिचुअल्स यानी फास्टिंग बहुत अच्छी तरह से मनाए फ्रॉम सन राइज टिल मून राइज का वेट करते हुए, मगर टिल द मून डिड नॉट राइज शी वॉज फीलिंग वेरी हंग्री एंड थर्स्टी, और उनके ब्रदर्स ने डिल्यूजन से उनको दिखाया कि मून राइज हो गया है एंड वीरवती ने अपना फास्ट तोड़ दिया गलती से, जिसकी वजह से उनको बाद में न्यूज आती है अबाउट हर हस्बैंड dying. So she gets very upset, she starts crying and then there is goddess Parvati coming to her rescue and explaining her ki kaise unko misinformation ke through fast tudwaya gaya by her brothers who did not have bad intention but could not see her tadpoing with the hunger and water.
सो ये बात समझने के बाद गॉडेस पार्वती उनको कुछ शक्ति देती है जिनकी वजह से शी इज एबल टू गेट हर हस्बैंड बैक फ्रॉम लॉर्ड यमराज यमा हु इज द पर्सन हु इज द पर्सन हु काइंड ऑफ कॉजेज डेथ. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ वीरवती जहां पे जब उसने अपनी रिचुअल या अपना जो फास्टिंग था प्रॉपरली नहीं मनाया उसकी वजह से शी गेट्स टू नो अबाउट द डेथ ऑफ हर हस्बैंड एंड ऑब्वियसली दिस इज सॉर्टेड आउट व्हेन गॉडेस पार्वती एक्सप्लेन्स हर एंड शी अपोलोजाइजेस एंड एवरीथिंग गेट्स सॉर्टेड. अब ये सेम कहानी वीरवती की इज काइंड ऑफ टोल्ड टू द्रौपदी इन द महाभारत टाइम्स क्योंकि अर्जुन जाते हैं पेनेंस के लिए एंड पांडवाज वर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड द्रौपदी भगवान कृष्ण से मदद मांगती है तो भगवान कृष्ण द्रौपदी को कहते हैं कि उनको वीरवती की तरह फास्ट करना चाहिए ऑफ करवा चौथ जिसकी वजह से द प्रॉब्लम्स विल गो अवे एंड द्रौपदी डज दिस फास्ट ऑफ करवा चौथ बाय यू नो अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम्पल ऑफ क्वीन वीरवती and the importance of how goddess Shiv and god Shiv and goddess Parvati played in kind of getting the life back of her husband वीरवती. तो इस तरह से करवा चौथ का इम्पोर्टेंस महाभारत टाइम में भी है. इसके अलावा एक और लेजेंड है अबाउट लेजेंड ऑफ करवा जो एक औरत थी जिसका नाम था करवा और उनके हस्बैंड को क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया था एंड करवा अपने हस्बैंड को छुड़ाना चाहती थी फ्रॉम क्रोकोडाइल्स चुंगुल एंड उसने यमा से भीख मांगी एंड यमा नहीं माने तो उसने यमा को श्राप देने का कहा. तब यमा डर गए और उन्होंने क्रोकोडाइल से उनके हस्बैंड को छुड़वा दिया. ये था लेजेंड ऑफ करवा. और इसके बाद ऑब्वियसली देयर इज द स्टोरी ऑफ सत्यवान एंड सावित्री. नाउ लॉर्ड यमा ने सत्यवान का सोल लेने आए एंड सावित्री डिड नॉट वॉन्ट सत्यवान टू गो एंड शी वेंट विद यमा. शी वॉज भूखी प्यासी एंड शी टोल्ड यमा दैट उनको उनके हस्बैंड की लाइफ वापस कर दे. यमा ने बोला मैं सब कुछ कर सकता हूँ मगर मैं आपको आपके हस्बैंड की लाइफ नहीं दे सकता. आस्क मी फॉर सम अदर बून. तो सावित्री ने अपना दिमाग यूज करके यमा से बोला कि मुझे दो बच्चों की माँ बनना है एंड बिकॉज सावित्री वॉज अ पतिव्रता वाइफ यमा हैड टू गिव लाइफ बैक टू यू नो सत्यवान बिकॉज सावित्री को दो बच्चे और कैसे होते इफ हर हस्बैंड डिड नॉट कम बैक टू लाइफ. सो दीज आर द स्टोरीज ऑफ करवा चौथ एंड एज अ हिंदू आई बिलीव कि मेरा रिलीजन इतना पुराना है इतना महान है इतना ओल्ड है कि ऑब्वियसली कभी ना कभी एक युग था जब ये सब हुआ था. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सनातन धर्म को खत्म करने की इतनी कोशिश करी गई है बाय द वेस्ट बाय अदर रिलीजन्स कि जहां हमको ऑब्वियसली बोला जाता है कि हमारा जो इतिहास है वो मन घड़त है. हमारा इतिहास मन घड़त नहीं है बिकॉज साइंटिफिकली भी हम प्रूव कर रहे हैं जैसे हमने अभी प्रूव किया कि कैसे राम मंदिर वॉज बिलो बाबरी मस्जिद बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाइंडिंग्स एंड द कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो भारत में हो रही थी सिंस सो मैनी ईयर्स. तो हमारा धर्म पुराना है हमारा धर्म ऐतिहासिक है हमारा धर्म प्योर है इसलिए ऑब्वियसली हमारे धर्म के साथ ये जो रिचुअल्स जुड़े हुए हैं वो बाकी धर्म के लोग नहीं समझ पाते एंड बिकॉज वो कुछ चीज़ को नहीं समझ पाते वो ऑब्वियसली इस धर्म की गुडनेस को रेजिस्ट करते हैं. मगर हमारा धर्म किसी को भी फोर्स नहीं करता टू काइंड of observe our rituals. Na hamara dharm kisi ko forcefully convert karta hai. It is obviously a free will to be a part of sanatan dharm. To aapke upar bhi hai ki aap agar karwa chauth manana chahte hain to manaiye apne husbands ke liye apne mangeters ke liye because karwa chauth is much more beautiful than valentine's day I believe as a day of love between a husband and a wife between a man and a woman who love each other. Namaskar.